देर कैसे हो गई दूध काटते हुए? कहते जी मैं एक गाय लेकर के आया हूँ और इस वजह से मुझे देर हो गई। और उसी वक्त उस ठाकुर ने कहा, राजपूत ने कहा, यदि एक दिन के अंदर अंदर तेरी गाय नहीं बिकी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य हमारा है, तुम्हारा नहीं। भैंसे पालना, राज करना, ये कार्य हमारा है। और अगले दिन उनको एक गाय बेच करके जो है फिर दोबारा से उसी कार्य में लगना पड़ा। और जब दीनो भानाजी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित हुए तो बिल्कुल बजा दिया कि नहीं, ये सहा नहीं जाएगा, और घर छोड़ करके भाग गए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिल्ली के अंदर, क्योंकि मंत्री थे उस समय, बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे और उस समय उनके जो प्रोग्राम को सुनते थे, उनके भाषण को सुनते थे, और वो जो है कैटराइज हो। और फिर उन्हें दिल्ली में जाकर के महाराष्ट्र में एक नौकरी मिल गई। और इसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद जो है अंबेडकर जयंती मनाने के लिए किस प्रकार से काशीराम जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से वो सामाजिक नेता बने, राजनीतिक नेता बने, ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दीनाभाना वाल्मीकि जी और उनके जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए अफसरों के पास गए कि हमें छुट्टी चाहिए, हमारी छुट्टी करिए 14 अप्रैल की। छुट्टी नहीं दी गई साथियों, सारे लोग हड़ताल पर बैठ गए। और काशीराम जी वहां बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे अब्दुल कलाम आजाद। जब काशीराम जी को यह पता चला कि ये क्यों शोर शराबा हो रहा है, वो बाहर आए निकल करके, और उन्होंने कहा कि शोर शराबा क्यों हो रहा है, क्या चाहते हो आप लोग? क्या जी आप रविदास या समाज से हो, आपको नहीं पता? क्या मुझे नहीं पता? क्या आप अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते? क्या मैं नहीं जानता? तब उन्होंने डीके खापरे जी ने उनको एक पुस्तक दी कि पुस्तक पढ़िए। और काशीराम जी ने जब उसको पढ़ा, फिर एक बार नहीं पढ़ा, 5 बार उसको पढ़ा, और सारी रात सो नहीं सके। क्या मेरे समाज की ऐसी बुरी हालत, मेरा समाज सड़कों पर, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए वो अगले दिन आए। अगले दिन कहा, दीना भाना तेरी नौकरी भी दिलवाऊंगा और ये छुट्टी भी होगी। और उसी समय वो छुट्टी भी करवाई और उनको जो है नौकरी पे भी वापस दिलवाने का काम किया। ऐसे थे दीना भाना वाल्मीकि जी, जिसमें फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज ने एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर को एक साइंटिस्ट के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिशनरी बना दिया। और ये परिणाम, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बार मायावती ने जो है सरकार बनाने का काम किया। ऐसा ये काम दीनाबाना वाल्मीकि जी और काशीराम जी ने किया। साथियों, समय की विडंबना है, समय बहुत कम है, क्योंकि ये मिशन 1 घंटे का नहीं, मैं बोलना चाहूं तो 3-3, 4-4 घंटे में मिशन पूरा होता है। अब मैं अपनी बात को शोर करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा राजनीतिक बात पे भी आऊंगा। हम राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त करेंगे, यह आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, जिस प्रकार से देश के अंदर चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि हम शासक बनेंगे। क्यों? देश के अंदर गली मोहल्ले में कुकर मुद्दों की तरह जो संस्थाएं बन रही हैं, जो संगठन बन रहे हैं, वो संगठन सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाए जा रहे हैं। मुझे टिकट मिल जाए, मुझे चेयरमैन मिल जाए, मुझे कोई पद मिल जाए, यहां तक सीमित है। आपके दिल्ली के अंदर ही सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, उदित राज जी का। हरियाणा के अंदर तक उनकी आग पहुंच गई थी, पूरे देश के अंदर उनकी आग पहुंच गई थी, उनका मिशन चल पड़ा था, लेकिन क्या किया, मनोवादी लोगों के पैरों में जाकर के गिर गए।
और फिर 5 साल राज, मलाई खाने के बाद फिर कहते हैं कि बीजेपी तो बेकार है। अरे भाई, आप बीजेपी को बेकार है आप समझ रहे हो? हमने समझ लिया, हमने कोई राजपाट की बात नहीं करी, हमने कोई एमएलए एमपी बनने की बात नहीं करी, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ लिया है। हमें कोई 2 करोड़ भी देगा, हमें कोई मंत्री भी बनाएगा, हमें कोई एमपी भी बनाएगा, हमें कोई प्रधानमंत्री भी जो है बीजेपी की तरफ से बनाएगा, हमने नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें पता है इन लोगों ने हमारा कितना शोषण किया है, हमें पता है हमारी बहन बेटियों की इज्जत किस प्रकार से लूटी गई है, हमें पता है किस प्रकार से इनके धर्मगुरुओं ने, किस प्रकार के इनके भगवानों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम किया है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो दूसरे और दूसरे सामाजिक इनके लीडर हो, किस प्रकार से इन्होंने हमें परेशान किया। साथियों, ज्यादा न बोलते हुए हम राजनीतिक सत्ता की ओर कैसे बढ़े? हम राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं, हम ले सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को अपना लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ने जो सपना देखा था उस पर चल पड़िए। मैं समझता हूँ आप लोग उस सत्ता को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो मनुवादी व्यवस्था, ये व्यवस्था ऐसी है साथियों कि इसको जल्दी से नहीं खत्म किया जा सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।